दादा ने शुरू करा था 1972 के अंदर, तकरीबन 55 साल हो गए। कलेजी हमारे पास बीफ कलेजी होती है। ये जो है ना, ये है आग लगाने वाले कबाब। एक्सीलेंट जायका है। जबरदस्त है भाई, खड़ा मसाला है, कलेजी में रस पक गया है। सर बड़ी बिया है इसकी, जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद हसन, मेरे साथ हैं ताहा सिराज। नाज़रीन इस वक्त मैं मौजूद हूँ औरंगी टाउन नंबर 10 में, और यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त जो है ना मसाले वाली कलेजी और कबाब जो है ना ज़बरदस्त मिल रहे हैं। कलेजी जो है वो समझ लें कि कराची में ये एक ऐसी डिश है कि जो मर्दों में जो है ना बहुत ज़्यादा मशहूर है। वैसे तो खवातीन भी शायद खाती हों, लेकिन मर्दों में बहुत ज़्यादा मशहूर है। लोग बड़े शौक से इसको खा रहे होते हैं। जब ये कलेजी बन रही होती है ना, तो चारों तरफ इसका जो अरूमा आ रहा होता है, उस अरूमे से खिंच कर लोग आ रहे होते हैं और कलेजी खा रहे होते हैं। तो रात में खाने के टाइम पे भी लोग खाते हैं बन। तो चलते हैं, देखते हैं क्या सीन चल रहा है। हमारे साथ ही रहेगा क्योंकि सीन ऑन है। अच्छा जी, ये एड्रेस समझ लें के कलेजी पॉइंट का, ये सामने फूल वाली गली है, बहुत मशहूर है फूल वाली गली, औरंगी राव नंबर 10। यहाँ पर आएंगे, फूल वाली गली है, इस गली से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये आपको नज़र आएगा उल्टे हाथ पे के कलेजी पॉइंट। ठीक है, चलते हैं देखते हैं क्या चीज़ चल रहा है। दोस्तों, हम लोग इस वक्त औरंगी टाउन में के कलेजी पॉइंट में मौजूद हैं, और यहाँ पे यहाँ के जो ऑनर हैं हसन भाई मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं कि क्या कलेजी का क्या राज है। काफ़ी रश लगा हुआ है और लोग ताबड़तोड़ जो है कलेजी खा रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम हसन भाई, क्या हाल है भाई? कलेजी पे आपने माशाल्लाह से बहुत रौनक लगाई हुई है। कलेजी कबाब क्या सेटअप है, कब से है ये सेटअप? दादा ने शुरू करा था 1972 के अंदर, तकरीबन 55 साल हो गए। और अल्हम्दुलिल्लाह दादा के बाद वालिद साहब, ताया चाचू वगैरह ने संभाला, और अभी हम लोग कजन वगैरह हम लोग खड़े हैं। अच्छा, कोई खास रेसिपी आप लोगों की? मैं देख रहा हूँ खड़े मसाले नजर आ रहे हैं मुझे, काफी मिर्चों वाली कलेजी लग रही है। नहीं, ये अपना मसाला तो कुटी हुई मिर्चे नहीं है, इसके अंदर और भी मसाले हैं। ये दादा के टाइम से जो दादा चलाते हुए आ रहे थे, वो वालिद साहब ने खिलाया और वो वालिद साहब ने वो हमें ही बताया, और अभी तो फिलहाल वही चलता हुआ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कबाब का भी सेटअप देख रहा हूँ, उसमें भी कोई मसाला वसाला लगा के दे रही है? कबाब भी वही जिस तरह दादी ये कबाब दादी चढ़ाया करती थी घर के अंदर, तो शामी कबाब में ही है, तो उसी तरह वो बहू को बताया और ये आज उसी तरह से कबाब चढ़ते वाले अल्हम्दुलिल्लाह। टाइमिंग वगैरह क्या है और रेट्स वगैरह भी बताइए। हमारी टाइमिंग बेसिकली 2 बजे दुकान खुल जाती है, और कलेजी 5 बजे के बाद आना स्टार्ट हो जाती है। और वैसे टाइमिंग हमारी 202 है, और हमारी कबाब 50 रुपए का है, और हाफ प्लेट कलेजी 150 की है, फुल 300 रुपए की है, मसाले वाली रोटी 35 रुपए की है। कलेजी हमारे पास बीफ कलेजी होती है। अच्छा जी,
ये जो है ना, ये आग लगाने वाले कबाब, ठीक है, और साथ में इन्होंने आग बुझाने वाली ये रायता भी दिया है, क्योंकि अगर आपको ठीक ठाक मिर्चें लग रही हो ना तो आपने ये रायता भी पी लेना है। तो भाई ट्राई करते हैं, जिस काम के लिए आए पहले वो काम भी कर लें। ये जनाब कलेजी जो है ना मैं ट्राई करता हूँ, और भाई भाईजान ये जो सूरत हाल है ना बड़ी ख़राब है इस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ट्राई करते हैं भाई कलेजी के साथ। ओह कलेजी आपस में जुड़ी नहीं भाई, फुल लाल लाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक्सेलेंट जायका है, हीक बिल्कुल भी नहीं है, मसाला बिल्कुल ओके है। अच्छा देखने में ये लाल है लेकिन इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा, मतलब फील इतना ज़्यादा नहीं हो रहा जितना ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मिर्ची होंगी, लेकिन इसका मुझे लग रहा है तो यहाँ पे थोड़ा ख़तरा है। इसको ट्राई करता हूँ मैं, ये जो कबाब है ना इसको ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बेहतरीन कबाब है भाई, बेहतरीन। अगले सूरत से तो खैर काफ़ी स्पाइसी लग रही है, मगर राशिद भाई ने खा लिया है, खा के बता रहे हैं मिर्चा नहीं है। मैं बगैर अभी उसके ट्राई कर रहा हूँ, छोटी सी बोटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसा मसाला तो इसमें तो बिल्कुल भी फील नहीं हुआ है। अब रोटी के साथ देख लेते हैं, रोटी पे भी मसाला लगा हुआ है, और एक तरह से जैसे तली हुई रोटी होती है ना उस तरह से ये रोटी हो गई है, तो थोड़ी सी क्रिस्पी भी हो गई है रोटी, सॉफ्टनेस भी आ रही है और थोड़ी सा क्रिस्पी फील भी आ रही है। कलेजी ले ली और साथ में मसाला भी, ताकि मसाला जो तवाई मसाला नज़र आ रहा है उसका फ्लेवर भी मालूम हो जाए। ज़बरदस्त है भाई, खड़ा मसाला है, कलेजी में रश बच गई है, जायके को एनहेंस कर रहा है, मगर आपको स्पाइसी नहीं लगेगा, चटपटा लगेगा, मगर बहुत ज़्यादा स्पाइसी जो लगने वाली मिर्चें होती हैं वो वाली फीलिंग नहीं है। जब कबाब भी मौजूद हैं, कबाबों में भी यही मसाला डला है। अच्छा ये एक अलग तरीके से कबाब इन्होंने दिए हैं, अमूमन कबाब को सारे तरीके से फ्राई किया जाता है और कोई मसाले नहीं लगाए जाते, मगर ये मसाले का तड़का लगा रहे हैं इसमें। चटपटी कलेजी हम लोगों ने खा ली है और कबाब भी बड़े मज़ेदार थे, शानदार थे। अगर आप लोगों ने भी चटपटी कलेजी और मज़ेदार कबाब खाने हैं तो आ जाएं के कलेजी पे और ट्राई करें। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें। मुलाकात होगी किसी नई जगह पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।